सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। 1990 से बिहार में पिछड़ों के नेता लालू यादव, राबड़ी यादव और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। 2 साल मांझी की सरकार रही, बावजूद इसके बिहार आज भी पिछड़ा है। क्या कारण है कि बिहार आज भी तरक्की नहीं कर पा रहा? राजनेता आते हैं, अपनी रोटियां सेक कर निकल जाते हैं, जनता और राज्य वहीं का वहीं है। क्या 2024 में भी पिछड़ों की राजनीति पर चुनाव होगा? इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। मनोज पंडित जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में सर स्वागत है। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। राजीव रंजन जी जेडीयू से हैं, स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले उपाध्याय जी आप ही के पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से इलेक्शन आते हैं तो सब एक तरह से ऐसे बात करते हैं कि इससे ज़्यादा कोई और पार्टी पिछड़ों के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही किस तरह से उनको दरकिनार किया जाता है, ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, ये देश में देखा जा रहा है। क्या अब सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं पिछड़ा वर्ग? देखिए, पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, गरीबी की बात हो, किसान की बात हो, तो ये सब नारे रह गए हैं और शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं, शब्द बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शब्द बेमानी हो गए हैं। बात सब विकास से शुरू करते हैं, बात सब गरीब के उत्थान की करते हैं, पिछड़ों की करते हैं, दलित की करते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है, भूल जाते हैं। फिर विकास होता है अपना, अपनी पार्टी का और अपने परिवार का। मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देखेंगे कहीं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को उठा लीजिए, वहां दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन यथार्थ में बदला क्या है? मैं पूरे देश की बात करता हूं। अभी पढ़ रहा था एजुकेशन का कि इतने सारे स्कूल जहां टीचर नहीं है, इतने सारे स्कूल हैं जहां एक टीचर के भरोसे चल रहा है, बिल्डिंगें हैं नहीं। आप विकास की बात करते हैं, जब तक गांव का स्कूल नहीं बदलेगा, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, गांव नहीं बदलेगा तो न राज्य बदलेगा और न देश बदलेगा। ये बात अलग है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि राज्य को बहुत आगे ले जा रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, लेकिन यथार्थ में जाके आप ग्राउंड जीरो पे देखेंगे तो वो डिलीवरी देखने में मिलती नहीं। और फिर बिहार अपने आप में आप देखेंगे कि लंबे समय से जो एक राजनीतिक नेतृत्व रहा है जी, चाहे वो लालू जी का काल रहा हो और उसके बाद आप देख रहे हैं बदला क्या है। लालू जी थे, उसके बाद नीतीश जी आ गए और उसके बाद नीतीश जी हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश जी साथ हैं, आरजेडी सत्ता में आती है तो नीतीश जी साथ हैं। तो देखिए, जब तक बदलाव प्रकृति का नियम है और आप बदलाव नहीं करेंगे, और एक जो पैरामीटर होता है ना विकास का जी, तो वो अगर 5 साल में नहीं दिखेगा और सरकारें नहीं बदली जाएंगी तो फिर इस तरीके से उन्हें क्या फर्क पड़ता है भी? ठीक है, बीजेपी के साथ नहीं है, आरजेडी के साथ चले जाएंगे, आरजेडी नहीं कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, सरकार तो हमारी बननी है, सीटें कितनी भी आए, मुख्यमंत्री तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है उपाध्याय जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोट लेने के बाद भुला दिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। इस बीच अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आप भारत तो जोड़ो की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सत्ता में रहे और उसके बावजूद इस वक्त जो कुछ स्थिति है, आपको लगता नहीं कि कई कमियां आपकी तरफ से भी रह गई? नवजोत जी, नहीं, कोई कमी नहीं रही, हमने देश को सींचा है। और जहां तक बिहार की बात है, जैसे अब बनी है महागठबंधन की सरकार, तीन चार दलों की सरकार बनी है, और हमें उम्मीद है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नीतीश कुमार के पूरे रह गए उसे हम पूरे करेंगे। और जहां तक देश की बात है, देश में इतने वर्षों से सब विकास हुए, एम्स बने, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज बनी। मैं उपाध्याय जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बिहार में अभी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार थी, स्कूलों में टीचर नहीं थे, बिल्कुल मानता हूँ स्कूल टूटे हुए थे, लेकिन अब हम मिलकर सब ठीक करेंगे, ये हमारा वादा है और ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा प्रण है।
बेशक अजय जी, आप जिक्र तो कर रहे हैं क्या करेंगे, जो हुआ उसका जवाबदेही कब होगी। एक बार राजीव रंजन जी का भी रुख कर लेते हैं, आपकी सरकार है और कहीं ना कहीं सवालों में बिहार है, क्योंकि पिछड़ा है बिहार। सभी बात करते हैं विकास की, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, जो अभी महोदय बोल रहे थे जी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बिहार पिछड़ा हुआ नहीं, लेकिन जिन संसाधनों के बदौलत बिहार में क्या रोड नहीं है। आप किसी सुदूरवर्ती गांव में चले जाए, जैसा रोड बिहार में वैसा देश में कहीं नहीं। 24 घंटा बिजली यहाँ भी मिल रही, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था बिहार में भी। आप IAS का रिजल्ट देख ली। तो ये 20 लाख नौकरियों का वादा क्यों करना पड़ता है, क्यों अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है काम करने के लिए। अब तो जाना तो पड़े, देखिए क्यों जाना पड़े। विकास कहाँ हुआ सर, काम के लिए इतने अच्छे स्कूल हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट है, फिर क्यों जाएगा कोई छोड़ के राज्य को। कोई अपना घर छोड़ के ऐसे जाता है अच्छे काम के लिए। भारत के लोग अमेरिका क्यों चले जा रहे हैं, अमेरिका में उन्हें अपना फ्यूचर नजर आता है इसलिए जाते हैं, उन्हें अपना भविष्य दिखता है इसलिए जाते हैं। सवाल तो सर यही है ना, सवाल तो यही है सर, लोग अमेरिका कराना क्यों चले गए। देखिए, हर आदमी अपना भविष्य पलायन क्यों करता है, विस्थापित क्यों होता है, अपने भविष्य के लिए होता है। मतलब गुजरात का गवर्नेंस मॉडल गलत है, आप गुजरात पे क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। गुजरात में जो सरकार चल रही है वो बढ़िया सरकार नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं वर्षों से जो गुजरात की सरकार वो बढ़िया सरकार नहीं है। सर, गुजरात का सवाल मैं बीजेपी से ले लूंगी, इस वक्त बिहार का सवाल है तो मैं आपसे पूछूंगी, क्यों मैं आपसे सवाल ना पूछूं। यानी आप, कोई विकास की जरूरत बिहार को नहीं है, आप ये मानते हैं बिहार में विकास की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार विकसित हो चुका है, बिहार समृद्ध हो चुका है, कितना है आप देखिए बिहार का कृषि विकास दर। लेकिन यानी बिहार विकसित हो गया है, बिहार में विकास की संभावनाएं खत्म हो गई। दर्जा क्यों मांग रहे थे सर, मैं वही कहा गया नरेंद्र मोदी जी के सरकार, मैं सर वही कह रहा हूं, चलता रहा। अरे सर, मैं वही, हम लोग कहीं पीछे नहीं है, नहीं बिल्कुल, तभी तो लोग विस्थापित होकर अपना भविष्य दूसरी जगह तलाशते हैं, कर सकते हैं विकास, वो हुआ है बिहार, कहीं पीछे नहीं है। विकास हुआ है तो सिर्फ पार्टियों का हुआ है, नेताओं का हुआ है, क्योंकि जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो जमीन पर नजर नहीं आ रहा। एक बार बीजेपी का भी कर लेते हैं, आप चलिए हमारे साथ देख लीजिए, कितनी इंडस्ट्री लगी, कितना एम्प्लॉयमेंट जी, बेशक है, जुम्मा जुम्मा 5 दिन सरकार को बने हुए हैं, आप देखिए क्या हालत है। आपका कानून मंत्री अपराधी जिसके हालत खराब है, आप ये देखिए, महिला एक बच्ची ट्यूशन से घर आ रही थी उसे गोली मार दी गई, आप बैंक लूट किया गया, आप कह रहे विकास है, किस चीज का विकास है, एक बार रुक कर लेते हैं बीजेपी का भी। बेशक राजीव जी, मैं आपसे विकास की लिस्ट जरूर लूंगी, एक बार बीजेपी का भी रुक कर लेते हैं। मनोज पंडित जी, जिस तरह से लोहे को लोहा काटेगा, इसलिए पिछड़ों का जिक्र विधानसभा में हुआ, क्या कुछ मंशा के साथ ये जिक्र किया जा रहा है, 2024 का डर सता रहा है। देखो नवजोत जी, इनकी राजनीति करने की परिभाषा अलग है। आप ही देखिए, एक वक्त था लालू जी वहां कहते थे कि भाई हम बिहार को ऐसे बना देंगे किसी अभिनेत्री के गाल के जैसे, इतना बढ़िया रोड बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, और फिर बोले कि उसकी आवश्यकता क्या है, अगर जल्दी से अच्छे रोड बनेंगे तो पुलिस के पास वाहन है, गाड़ियां हैं, वो जल्दी से पकड़ के ले जाएगा आपको। आपके पास तो गाड़ी है नहीं, आपको तो फिर भी साइकिल पे चलना है, आपको तो कुछ पता नहीं है भाई साहब, आ जाइए, हर थाने में गाड़ी चार चार पड़ी हुई है। नहीं नहीं, मुझको पता है, मैं बहुत करीब से बिहार को जानता हूं मित्र, और मैंने काफी बिहार घूमा है। आप ये देखिए, बिहार में पब्लिक का विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ, बिहार में विकास हुआ है नेताओं का, बिहार में विकास हुआ विधायकों का, बिहार में विकास हुआ एक परिवार का, विकास हुआ किसान का। आज आप ये देखिए कि जिस सीबीआई भेड़ की बात हम कर रहे हैं, इसकी शिकायत करने वाले कौन थे, इसकी शिकायत करने वाले, शिकायत किसने की, 1.5 साल पहले शिकायत मुख्यमंत्री जी ने की कि इसकी इसकी जांच होनी चाहिए। बेशक मनोज जी, सवाल मेरा, बेशक उसकी शिकायत में लिखित मनोज जी मेरा सवाल ये है, राजीव जी मैं आऊंगी, मनोज जी मेरा सवाल ये है कि जरूरत क्यों पड़ी पिछड़े वर्ग को जिक्र करने का, क्योंकि 51% ओबीसी आबादी है, इसलिए नजर है बिहार में। अब आप ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वापसी करनी है, आप भी कहां सोच रहे हैं, आप भी तो वोट बैंक के बारे में ही सोच रहे हैं। नवजोत जी, देखो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है जी। हम जो भी योजना लाते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो सबके लिए है, वो खाली अगड़े पिछड़े और उनके लिए नहीं है। आप ये देखिए, जितने भी योजनाएं चल रही है भारत में, उससे कौन अछूता है,
सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो। आप ये देखिए, 4 करोड़ सिलेंडर में गैस नहीं भराया उज्ज्वला योजना में, कौन सा योजना आपका चल रहा है भाई? अरे तो आप देखिए ना कि पहले तो उनके पास गैस थी नहीं, पहले चीजें कहाँ थी आप उनके पास, पहले कुछ था ही नहीं। आज वो जो बहनें माताएं जिनकी आंखें खराब हो जाती थी धुएं की वजह से, आज उनको सिलेंडर मिलता है। बेशक चाहे राहत, बेशक चाहे राहत 2 दिन के लिए मिली, 2 दिन की राहत दी और उसी में सेटिस्फाई हो जाइए, क्योंकि जनता तो इसी तरह जीने की आदत पड़ चुकी है। उपाध्याय जी, आपने सुना किस तरह के तर्क है और कहीं ना कहीं इसी तरह की बातें की जाएंगी। और हम बात करते हैं विकास की, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो किसी पिछड़े वर्ग के घर जाकर हम खाना खा लेते हैं, ये विकास हुआ है देश का? देखिए वो भी औपचारिकता भर है जी। कई जगह तो ये देखा गया कि दलित के घर खाना खाने बैठे हैं, खाना होटल से आया और बिस्लरी की बोतल थी, और उससे पहले वहाँ अधिकारी पहुंचकर पूरा बंदोबस्त कर देते हैं, मीडिया के कैमरे लगे होते हैं और दिखाया जाता है कि भी दलित के घर और वो भोजन कर रहे हैं। और देखिए यथार्थ और दिखावा दोनों में जो फर्क है ना, जितना प्रचार पर पॉलिटिकल पार्टियाँ खर्च करती हैं उतना विकास पर खर्च करें तो मेरे ख्याल से प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकास नहीं होता इसलिए प्रचार पर पैसा खर्च करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भी देखिए हमने इस पैन ये टूटा हुआ था इसमें स्याही हमने डाल दी है। तो अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं और जनता इन सब चीज़ों को भली भांति देखती भी रहती है। और देखिए अभी बात हो रही थी कि बिहार तो विकसित बिहार है, तो फिर वहाँ से पलायन क्यों होता है? लोग रोजगार की तलाश में दूसरी जगह क्यों जाते हैं? दूसरे राज्यों के लोग क्यों नहीं बिहार में आते एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए? विकास का पैरामीटर ही बदल गया है। जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि आप आइए बिहार में तो सब कुछ विकसित हो चुका है, जबकि हर साल बाढ़ आती है, बहुत सारी खेती डूब जाती है, लोग पलायन कर जाते हैं। तो क्या है विकास? अगर विकास का पैरामीटर यही है तो फिर कोई गुंजाइश बचती नहीं है विकास की। विकास उस दिन होगा जिस दिन बिहार का बच्चा बिहार में पढ़ेगा, वहां अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, तो उसे दिल्ली नहीं आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, और वहीं उसे रोजगार मिलेगा तो वो अपनी आजीविका वहीं कमा लेगा। कोई भी मित्र आराम से खुशी खुशी अपना घर नहीं छोड़ता है, अपना परिवार नहीं छोड़ता है। जो विस्थापित होते हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो स्टूडेंट है, और चाहे वो बीमार व्यक्ति है, वो मजबूरी में ही बिहार से बाहर आता है, क्योंकि उसे अपना कैरियर अपना भविष्य बिहार में नजर नहीं आता, इसलिए वो देश के दूसरे राज्यों में जाकर अपना भविष्य तलाशता है, अपना इलाज कराता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। जी बेशक अजय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने देश को सींचा है, हमने देश का विकास किया है, अगर ये विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, ये बिहार की जो इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं ये आज से नहीं, कई सालों से हम देख रहे हैं कि बिहार किस तरह से पिछड़ा हुआ है। क्या आपको लगता नहीं है कि वो जो आप जिस तरह के दावे कर रहे हैं वो खोखले हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी ने विकास किया है इसमें कोई संदेह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के हरियाणा के भी बच्चे दिल्ली में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पे सबका स्वागत होता है, चाहे उत्तर प्रदेश से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, चाहे हरियाणा से आए। तो जहाँ तक विकास की बात है, जो देश में विकास का नारा लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हम तो कहते हैं कि देश में विकास गायब है, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, देश में विकास गायब है। हमने तो नवजोत जी हवाई अड्डे बनाए थे, एयरलाइंस बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने हवाई अड्डे भेज दिए, एयरलाइंस भेज दी, लाल किले को गिरवी रख दिया। ये है केंद्र सरकार, इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। लाल किले को भी इन्होंने लीज पे दे दिया, देखो लीज पे दे दिया भारत का ऐतिहासिक लाल किला। बेशक मनोज जी, इल्जाम कहीं लग रहे हैं, पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी फिर राजीव जी का रुख करूंगी। अरोड़ा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, विकास हुआ है और बिल्कुल मैं मानता हूँ विकास हुआ है, पर विकास अपराधीकरण का विकास हुआ है, विकास भ्रष्टाचार का विकास हुआ है और बहुत सारी चीजों का विकास हुआ है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार की परिस्थिति क्या है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की परिस्थिति सुधारने के लिए ही नीतीश जी के साथ गठबंधन किया था और चीजें की थी और चलाया था, पर लेकिन उनको वो चीजें रास नहीं आई और वो फिर दोबारा उसी पुराने गठबंधन में चले गए। तो मेरा मानना यह है कि जनता आप सब जानती है
और आने वाले चुनाव में सब पता चल जाएगा कि स्थिति है क्या, दूध का दूध और पानी का पानी। तभी लोहे को लोहा काटने की कोशिश की जा रही है और पिछड़े वर्ग की याद आ रही है बीजेपी को। नहीं नहीं, बीजेपी तो नवजोत जी किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ती, बीजेपी के लिए सब। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में क्या हुआ, पहले चुनाव जातिवाद में चुनाव हुआ करता था, आज चुनाव मुद्दों पे चुनाव होता है। आज हमने जो किया है उस पे चुनाव हुआ, आज हमने चुनाव में वो बातें बोली जो हमने काम किए हैं। तो मेरा मानना है कि अब जनता, आज देखिए ना मीडिया कितना हावी है, आज कोई घटना हिंदुस्तान के किसी कोने में होती है, 5 मिनट में पूरे देश को पता चलता है कि घटना कहां हो रही है। तो अब ये नहीं है कि आप बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और बताएंगे कुछ, आज जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने वादों पे अपनी चीजों पे खड़े नहीं उतरते तो जनता तो वो जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर की जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार बिहार को लेकर लगातार मांग की जा रही है, क्या कुछ कर रहे हैं आप बिहार, क्या बिहार देश से अलग है? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, बिहार देश का हिस्सा है। और आप ये देखिए जो चीजें, जहां तक हमसे किए, भारतीय जनता पार्टी से जितना सपोर्ट था, जितनी चीजें थी हम लोगों ने की, पर चूंकि उनका कोई अपना व्यक्तिगत हित साध नहीं पा रहे थे वो, इसीलिए वो पुराने गठबंधन में चले गए। भाई आप ये देखिए, आज सीबीआई जांच जांच जिस विषय पे की जा रही है उसमें ही नीतीश जी ने 1.5 साल पहले खुद अपने लेटर पैड पे लिख के कहा था कि इस विभाग की सीबीआई जांच होनी चाहिए, काम कर रहे हैं उनके पास गठबंधन है, आपके पास एजेंसी है, एजेंसी कर रही है, तो आपको क्यों आपत्ति है उसमें करने दीजिए जांच। आपत्ति इस बात पर मनोज जी कि सिर्फ एक ही पार्टी के, जो पार्टी आपसे अलग हो जाती है, जो पार्टी आपके खिलाफ बोलती है, सारे भ्रष्टाचारी उसी पार्टी में है। नवजोत जी शिकायत तो आपने की थी, जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं मुख्यमंत्री ने शिकायत की थी। अगर मुख्यमंत्री जी ने शिकायत की थी, उस शिकायत का संज्ञान तो लेना पड़ेगा ना आपको। शिकायत का संज्ञान जब सत्ता में, जब बहुमत साबित करने का टाइम है तभी आप संज्ञान में लेंगे। उपाध्याय जी बहुमत की आवश्यकता ही नहीं, बहुमत साबित कीजिए, उससे पहले ये नेता नहीं थे, बहुमत उससे पहले वो संस्था नहीं थी, आपने क्या नहीं था इससे पहले? आपने स्पीकर को बदलने के लिए आपने बहुमत साबित करके दिखाया। बीजेपी ने मांग नहीं की क्या, बहुमत साबित कीजिए, हमें मालूम है आपके पास बहुमत है। राजीव रंजन जी, अब आपका रुख कर लेते हैं, कहीं इल्जाम लगाए जा रहे हैं और देखिए किस तरह से बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन में जाते ही किस तरह से बिहार की तस्वीर जो है वो सामने नजर आ रही है। जंगल राज रिटर्न की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको समय दीजिएगा। जी जी, बात रखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय विशेषज्ञ महोदय को कि बिहार की आबादी 14 करोड़ है और घनत्व के हिसाब से पूरे देश ही नहीं दुनिया में सबसे आबादी वाला ये प्रदेश है, जमीन के घनत्व के हिसाब से तो निश्चित रूप से हमारे पास लोग ज्यादा है, तो हमारे लोग तो बाहर जाएंगे, इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए आपको, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो विकास की बात करी है तो हम थोड़ा पिछड़े हैं, हम विशेष पैकेज और विशेषवाद की दर्जा का मांग क्यों कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे ना कि मैं अपनी संसाधन से उस गति से नहीं दौड़ सकता हूं जो गति देश को चाहिए, तो उस गति को प्राप्त करने के लिए विशेषवाद की दर्जा ना हम लोग मांग रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार हमारे नेता को झूठ बोल रही थी, बरगरा रहे थे नरेंद्र मोदी के लोग, हमारे नेता ने तो मांग किया था और मांग कर ही रहे हैं हम लोग अपने संसाधन से जिस तेजी से बिहार विकास किया है, मेरा दावा है भारत में एक भी प्रदेश बिहार के मुकाबले खड़ा नहीं होगा जो अपने संसाधन से। अब गुजरात में लाखों करोड़ का जो स्मगलिंग का पकड़ा रहा है चरस और अफीम, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो पलायन की बात करते हैं तो पंजाब के लोग कनाडा क्यों चले गए? सरकार तो बीजेपी और अकाली दल की थी वहां पे, क्यों पंजाब के लोग कनाडा चले गए? जवाब देंगे। और दलित के घर में खाने की नौटंकी अमित शाह करते हैं, दलित के घर में खाने की नौटंकी कभी नीतीश कुमार नहीं करते, हमारे नेता कभी गलत गलत बयानबाजी नहीं करते, और आपने एक विकास नहीं किया है हमारे यहाँ। 8 साल जब मोदी जी की सरकार रही थी ना, तभी बिहार के रोड बन रहे थे, बिहार के पुल पुलिया बन रही थी, और 2000 रुपया जो आप लोग दे रहे हैं किसान को, नीतीश कुमार 2005 से डीजल सब्सिडी 3-3 दे रहे हैं किसानों को, ये पैसा करते दे रहे हैं। एक कमजोरी है हम लोग के सरकार में, बीजेपी की तरह हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं बताइए आप मुझे, क्योंकि काम ही नहीं होता है। प्रचार प्रसार तो तब आप करेंगे जब काम होगा, जब काम ही नहीं करते तो क्या प्रचार प्रसार करेंगे? आप बताइए कि क्या वहाँ हो रहा है, एक एक ठेकेदार को कमीशन के तौर पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। आप देखिए क्या क्या व्यवस्था है आपके पास भ्रष्टाचार रोकने के? प्रचार करेंगे हमारा नल जल योजना, हमारा नल जल योजना है ना, ये आपका है क्या? 24 घंटा बिजली
ऐसी योजनाओं का क्या फायदा, ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जो लोगों तक पहुंचे ही नहीं, जो कागज पर है, और वो बीजेपी की हो या फिर बिहार की हो, योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं। और अगर आप प्रचार भी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जो कुछ स्थिति, उपाध्याय जी जिस तरह से दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जिक्र किया जा रहा है, तो ये 2024 पर नजर है। कहीं ना कहीं ये एक कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अब हम छूट गए हैं, बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड देखेंगे इसको। देखिए, विशुद्ध रूप से 2024 सभी पॉलिटिकल पार्टियों के टारगेट है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसी को मद्देनजर रखते हुए, मैं आती हूं, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपने जो कील कांटे हैं, एक हिंदी में कहावत है, उनको दुरुस्त कर रहे हैं। कोई दलित की बात करेगा, कोई गरीब की बात करेगा, कोई किसान की बात करेगा, मतलब अलग अलग तरीके से समीकरण बिठाने की कोशिश होगी, और विकास फिर वहीं रुक जाएगा। क्यों? देखिए, इलेक्शन में बात तो शुरू विकास से ही होगी, जब प्रचार शुरू होगा तो विकास से बात शुरू होगी, जनता के मुद्दों से बात शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है वो जाति पर चला जाता है, वो धर्म पर चला जाता है, और फिर विकास का जो मुद्दा है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल डेप्थ में चला जाता है। इस बीच एक सवाल ये भी होता है, क्या जनता को नहीं अब समझना चाहिए? क्यों जनता ऐसे छोटे छोटे या फिर लोक लुभावने वादों में आ जाती है, क्यों नहीं वो बड़ा सोच सकती है? क्या अब जरूरत नहीं कि एक इस तरह की जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाए? नवजोत, जनता नहीं चुनती है जी, ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जो पॉलिटिकल पार्टियां कैंडिडेट देती हैं, कैंडिडेट कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं, जनता नहीं देती है। अगर जनता कैंडिडेट देने लगेगी, जनता की राय से कैंडिडेट तय होगा, तब तस्वीर बदल सकती है। आज क्या होता है, एक बड़ा बाहुबली, एक छोटा बाहुबली, अब जनता क्या करती है, जनता उसमें देखती है, उन्होंने कहा देख भी उससे तो यही ठीक है, ये कम से कम वो बहुत बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये बात सुन तो लेता है मेरी, चलो इसी को वोट किए देते हैं। तो जनता कहाँ है? जनता सिर्फ नारों में है, जनता सिर्फ कागजों में है, और जनता के ऊपर बहुत सारी कार्टून और उस तरह की चीजें बनती हैं, और बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी देखिए अलग है। आप देखेंगे नेपाल से पानी छूटेगा, सारे बिहार को बहा के ले जाएगा। अब नेपाल में जाके तो बिहार बांध नहीं बनाएगा, या वहां जाके तो बहुत सारी जो तैयारियां होनी चाहिए वो नहीं कर सकता वहां पर जाकर, तो अपनी कुछ सीमाएं बिहार की हैं। और देखिए, बिहार जो उम्मीद कर रहा था विशेष राज्य का दर्जा, बीजेपी साथ में थी, डबल इंजन की सरकार थी, और बिहार को क्या मिला वो तो मेरे ख्याल से बिहार के लोग बताएंगे, या बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां बताएंगी कि भी डबल इंजन में कितना विकास होता है और सिंगल इंजन में कितना विकास होता है। विशेष राज्य का दर्जा, अभी देखिए वो मित्र भी हमारे कह रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता तो एक मोटा पैकेज बिहार को मिलता, और मोटा जब पैकेज मिलता तो वहां कुछ इंडस्ट्री लगती, कुछ रोजगार पैदा होते। अभी कनाडा जाने की बात हो रही थी, कनाडा इसलिए कि जाता है व्यक्ति कि वहां अपना भविष्य देखता है, वहां अपना फ्यूचर देखता है, अपने बच्चों का भविष्य देखता है, तब पलायन करता है। मेरा कहने का पर्पज बिल्कुल साफ था, कोई भी अपनी जड़ों को छोड़कर, न मैं, न आप, न मेरे बच्चे, मजबूरी में ही कोई पलायन करता है, खुशी खुशी कोई पलायन नहीं करता है, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो ब्रिटेन जाए, चाहे वो रूस जाए, या बिहार से हरियाणा में आए, या बिहार से मध्य प्रदेश में जाए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, या अपना इलाज कराने के लिए, मजबूरी में, फिर कहूंगा मजबूरी में ही कोई अपना घर छोड़ता है, खुशी खुशी अपना घर कोई नहीं छोड़ना चाहता जी। बेशक, जिस तरह से अजय जी आपने सुना, कहीं ना कहीं बिहार की जो कुछ स्थिति है उसके बाद भी लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि अब महागठबंधन क्या कुछ करती है 2024 या 2025 के लिए, क्या कुछ आप ऐसा करेंगे कि प्रचार करने की जरूरत ना पड़े, सच में नजर आए कि बिहार का विकास हो रहा है और पिछड़े वर्ग को भी साथ लेकर चला जा रहा है। नवजोत जी काम बताएगा, हम काम करेंगे, और काम के हिसाब से ही जनता हमें वोट देगी, वहां की आवाम वोट देगी। और हमने प्रण किया है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी को काम नहीं करने दिया, हम मिलकर काम करेंगे, एकजुट काम करेंगे, भविष्य पे काम करेंगे, रोड पे बात करेंगे, अस्पतालों की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात नवजोत जी, भारत में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, और देखने वाली बात है कि महंगाई का स्तर कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया। अच्छा, सरकार ने एक कमी और कर दी, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया, ये बड़ा अनुचित किया। खाद्य पदार्थों पे, आटे पे जीएसटी लगा दिया,
इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है, देश में हर राज्य में फर्क पड़ता है और खास करके बिहार जैसे राज्य में। अजय जी, सबका अपना अपना मॉडल है, कहा जा रहा है कि टैक्स कलेक्ट होगा तो वो जनता के विकास के लिए होगा। मनोज जी, कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर और है एक और है, देखिए जो अभी कह रहे हैं कांग्रेस के मित्र, तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, मतलब जहां आपकी सरकार है वहां कितना विकास हो गया है, कितनी महंगाई कम हो गई है, कितना रोजगार मिल गया है। एक मॉडल, देखिए एक मॉडल होता है कि देखिए जैसे हमने राजस्थान का विकास किया है उस तरीके से हम बिहार का विकास कर देंगे, जिस तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं। जैसे बीजेपी ने कहा था भी गुजरात का विकास हमने किया और जनता ने माना और जनता ने वोट किया, आज आम आदमी पार्टी कह रही है हमने दिल्ली का विकास किया और दिल्ली के मॉडल पर हम हिमाचल का विकास करेंगे और हम गुजरात का विकास करेंगे। तो आप भी अपने एक स्टेट को अगर मॉडल बनाकर जनता के सामने जाएंगे तो जनता ज्यादा विश्वास करेगी आप पर और आपको वोट भी करेगी। उपाध्याय जी, इन्होंने तो पूरे देश का विकास किया है, आप देखिए पिछले 50 साल में विकास ही तो कर रहे हैं और क्या किया। विकास करते करते अपना अस्तित्व खो बैठे, विकास करते करते इतना आज यही नहीं पता कि कांग्रेस है कहाँ, स्थिति यहाँ पर आ गई। तो आज कांग्रेस को अपने अस्तित्व को जगाने के लिए, बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि जहाँ बिहार में सिर्फ दो मंत्री बनाए गए खाली, वो दो मंत्री कितना विकास कर लेंगे, इंडिपेंडेंट उनको शायद मंत्रालय चलाने के लिए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मुझे तो इसी में शक लगता है। ये तो बिहार के विकास मॉडल पर ही बार बार नीतीश जी को वोट मिल रहा जी, तभी एक गठबंधन तोड़ के दूसरे गठबंधन में जाना पड़ता है, लेकिन विकास का मॉडल की बात देश की जाती के सभी राज्यों में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, सारे राज्य लोहा मान रहे हैं, सारा राज्य सीबीआई से क्या साबित किया 5 साल में बीजेपी ने, या पिछले 8 साल में किसी एक आरोपी को इन्होंने जेल भेजा है क्या? तेजस्वी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में एक अपराधी को बताइए, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, बताए बीजेपी के लोग कि जिन जिन लोगों पर इन लोगों ने आरोप लगाया, 2G, 3G, 4G, जीजा जी, कॉमनवेल्थ जी, कोई जेल में है क्या? ये झूठे लोग हैं, बताइए पढ़िए, बताइए बीजेपी के लोग किसको नहीं भेजा, बताइए, सारे लोग जेल में, संजय राउत से लेके और चीजों को लेके सब लोग जेल में, जो 2G ने भी सब लोग जेल में रह चुके हैं, पूरा ट्रायल हुआ है, सारी चीजें हुई है। मोटे मोटे तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा, विकास इस वक्त सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का और सिर्फ कागजों में हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा। जनता जहां पहले थी आज वही है, हालांकि दावे और वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, उपाध्याय जी आपका धन्यवाद, मनोज पंडित जी आपका धन्यवाद, अजय अडवाणी जी आपका भी धन्यवाद और राजीव रंजन जी आपका भी धन्यवाद। देश की बात में फिलहाल इतना ही, सहारा।